हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस एजुकेशनल वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एट डी साइंस के चैप्टर नंबर वन द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की बुक एक्सरसाइजेस स्टूडेंट्स इस वीडियो में इस चैप्टर की सारी बुक एक्सरसाइजेज को हम आपके सामने विद सोल्यूशंस पेश करने वाले हैं तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं शुरू सबसे पहले हैं ए पार्ट एनि फिल इन द ब्लैंक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ डैश तो इसका आंसर आएगा सेल्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स द डैश प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल प्लांट सेल को प्रोटेक्शन और रिजिडिटी हार्डनेस कौन प्रोवाइड करता है द आंसर इज सेल वॉल सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा सेल वॉल नेक्स्ट है थर्ड पार्ट ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द डैश सेल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है द आंसर इज न्यूक्लियस कंट्रोल करता है द डैश इज नोन एज द पार हाउस ऑफ द सेल किस सेल ऑर्गैनल को पार हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन जब एक सेल्स का ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लग जाए तो उसको क्या कहें कहेंगे द आंसर इज टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इट वॉज डैश हु हुव सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार सेल्स की डिस्कवरी सेल्स को ऑब्जर्व किसने किया था द आंसर इज रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने किया था आगे आता है मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग किया हम आंसर आपके सामने लेके आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको आप मैच करेंगे पैकेजिंग सेंटर से क्योंकि गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वो बॉडी के अंदर सेल के अंदर बनने वाले मटेरियल्स को पैक करती हैं राइबोसोम्स को आप मैच करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस से क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन बनते हैं क्रोमोसोम्स को आप मैच करेंगे जीन्स से क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डेड सेल्स को आप प्रेजेंट करेंगे कोक से मिलान करेंगे कोक से क्योंकि कोक के अंदर पेड़ की छाल के अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं फोटोसिंथेसिस को आप मैच करेंगे क्लोरोप्लास्ट से क्योंकि लीव्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है आगे आता है टिक द करेक्ट आंसर हमारा सी पार्ट द सेल ऑर्गेनल फॉर अ सेल इज नोन एज द डैश वो सेल ऑर्गेनल जो सेल के स्टोरेज बैग की तरह काम करता है मटेरियल्स को स्टोर करने में हेल्प में आता है वो कौन सा है द आंसर इज वैक्यूल हैंस एग मुर्गी का अंडा क्या है द आंसर इज अ सिंगल सेल मुर्गी अंडा एक सिंगल सेल है ना ही कोई और कैनल है ना कोई टिश्यू है ना कोई ऑर्गन बल्कि मुर्गी अंडा जो हमें आंखों से साफ साफ दिखाई देता है वो असल में एक सिंगल सेल ही है और न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डैश न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म सेपरेट जो मेम्ब्रेन करती है उसका नाम क्या है द आंसर इज न्यूक्लियर मेंब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन एन एग सेल ह्यूमन लेवर सेल एंड अमीबा इनमें से कौन सा पार्ट एग सेल में ह्यूमन लीवर सेल में और अमीबा में नहीं पाया जाएगा wall, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। एग सेल, सेल ह्यूमन और अमीबा में कोई भी प्लांट सेल नहीं है क्या होगी? सबसे छोटा सेल सेल के ग्रुप को टिश्यू टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम इस तरीके से बनाना हमें सीक्वेंस को विच अमंगज द फॉलोइंग पेयर कैन बी फाउंड ओनली इन अ प्लांट सेल बट नॉट इन इन एनिमल सेल इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है एनिमल सेल में नहीं द आंसर इज सेलवोल एंड प्लास्टिक ठीक है सेल्वोल और प्लास्टिक्स ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं एनिमल सेल्स में नहीं होती हैं आगे आता है डी पार्ट आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ लिस्ट द मेन फैक्टर्स द डिटरमाइन द शेप ऑफ अ सेल सेल की जो शेप होती है वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है तो पहला पॉइंट आएगा लोकेशन ऑफ द सेल और दूसरा आएगा फंक्शन ऑफ द सेल इसमें आप चाहें तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जैसे कि नर्व सेल मैसेजेस को कैरी करती है इसलिए वो काफी लंबी होती है नर्व सेल कैरी मैसेजेस सो इट इज वेरी लॉन्ग एज अ वायर ठीक है और रेड ब्लड सेल्स क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में मूव करती है इसलिए काफी छोटे और बाइकनकेव और गोल शेप की होती है आप ये भी लिख सकते हैं आरबीसी इज वेरी स्मॉल बाइकनकेव एंड सर्क्यूलर इन शेप बिकॉज इट हैजू ट्रैवल थ्रू स्मॉल स्पेसिस स्मॉल आर्ट्रीज डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेलूलर ऑर्गेनिजम्स गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलूर में अंतर बताते हुए उनके एग्जाम्पल्स देने हैं यूनिसेल्युलर एक सेल का बना होता है मल्टी सेल्युलर एक से ज्यादा सेल से बना होता है यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल्स अमीबा एंड बैक्टीरिया मल्टी सेल्युलर के कॉकरोच मंकी ह्यूमन बर्ड्स कई लिख सकते हैं आप आगे गिव स बताना है स्टूडेंट्स थोड़ी मिस प्रिंटिंग है मैं आपको बताऊंगा कैसे है ठीक पहला है सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है तो आप इसमें क्या लिखेंगे ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स अ सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ठीक है यहां तक आपने लिख दिया यहां तक ठीक है ये उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप एक लाइन और एड करें क्या लिखेंगे फंक्शन विच आर परफॉर्म बायप्लीट ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो भी परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल जो सारे फंक्शन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म करता है वो सारे फंक्शन एक सिंगल सेल भी कर सकता है दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बी पार्ट है आपका बी पार्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन है, है? है आपका प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड सेल्स प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स से ज्यादा रिजिड क्यों होती है तो इसका आंसर आएगा सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ठीक है आप क्या लिख सकते हैं यहां पे देयर इज एन एडिशनल आउटर कवरिंग सेल्वोल इन इन प्लांट सेल्स सेलवोल प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट सेल सो प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल्स आगे आता है किस सेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और ऐसा क्यों माइटाकोन्ड्रिया के अंदर सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स जिस प्रोसेस के जरिए सेल्स एनर्जी निकालती हैं उसको कहा जाता है सेल्युलर रेस्पिरेशन तो ये काम एनर्जी निकालने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है ठीक है और एनर्जी को स्टोर करने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है आप ये लिखें आप यहां पे जरूर लिखें माइटोकोन्ड्रिया आर साइड ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन दे ऑल्सो स्टोर एनर्जी एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेल एक्टिविटीज टू टेक प्लेस एनर्जी प्रोड्यूस भी इन्हीं के अंदर होती है और एनर्जी स्टोर भी इन्हीं के अंदर होती है एटीपी की फॉर्म में स्टूडेंट्स एटीपी की फॉर्म में ट्राइफोस्फेट की फॉर्म में इन्हीं के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल तो प्रॉपर आंसर आप इसका क्या देंगे माइटोकोड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज सेल्युलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइड द माइटोकोड्रिया इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टीपी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सेल एक्टिविटीज ठीक है ये पूरा लिखेंगे आप नेम द सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट तो लीज़ को जो कलर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स वो होता है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है ये और जो कलर्ड प्लास्टिड होता है क्रोमोप्लास्ट वो कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है इन दोनों के अंदर तो छोटे छोटे एक्सटेंशन होते हैं जो प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाते हैं स्टूडेंट्स जनरली ये ऑर्गेनिजम्स के काइंड्स होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपकी आएंगे तो उनमें से जो प्रोटोजोआ टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर अक्सर ये छोटी छोटी एक्सटेंशन पाई जाती हैं इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों का फंक्शन है लोकोमोशन में हेल्प करना यानी मूवमेंट में हेल्प करना वो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में हेल्प करना जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है और डिफरेंस क्या है सीलिया काफ़ी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और फ्लैजिला काफ़ी बड़ा होता है ठीक है स्टूडेंट्स आगे आता है अगर अनियन पील को और चीक सेल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाए तो दो डिफरेंसेस बताइए स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि अनियन पील एक प्लांट सेल है और चीक सेल एक एनिमल सेल है तो इसमें बड़े आसान से आसानी से डिफरेंस डिफरेंशिएट किया जा सकता है लेकिन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो आंसर देगा वो क्या होना चाहिए पहली बात तो अनियन पील की जो सेल्स है वो रोज़ में अरेंज थी जबकि चीक सेल्स में ऐसा कुछ नहीं था आपकी बुक में चीक सेल्स और अनियन पील सेल्स का डायग्राम दिया हुआ होगा वहां आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा सेल वॉल पाई गई थी अनियन पील सेल्स में सेल वॉल नहीं थी चीक सेल्स में ठीक है स्टूडेंट्स आगे हमारा क्वेश्चन नंबर एट है स्किन फैट सेल आरबीसी ब्लड ईयर और मसल ये हमें छः चीज़ें दी गई हैं इनको हमें सेल टिश्यू और ऑर्गन में क्लासीफाई करना है तो स्किन जो है स्टूडेंट्स ये ऑर्गन है फैट सेल जो है ये एक सेल है आर बी सी भी एक सेल है ब्लड एक टिश्यू है ईयर एक ऑर्गन है और मसल एक टिश्यू है ठीक है स्टूडेंट्स आगे आता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सारी सेल्स का एक ऑर्गेनिज्म की सारी सेल्स का शेप एक जैसा नहीं होता जैसे मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरह की सेल्स हैं सारी एक जैसे नहीं हैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए तीन अलग अलग तरह की सेल्स के शेप बनाते हुए तो तीन सेल्स के शेप यहाँ पे बनाए हैं लिवर सेल का फैट सेल का और स्मूथ मसल सेल का आपकी बुक में दिए गए हैं ऊपर वाली फिगर से हमें पता चल रहा है ऊपर वाली फिगर से हमें पता चल रहा है कि जो सेल्स हैं जैसे लीवर सेल है वो अमोरफस शेप का है अमोरफस यानी उसकी कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं है अमोरफस शेप का यानी उसकी कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं है जबकि जो फैट सेल है वो सरिकल शेप का है मसल सेल्स जो है वो स्पिंडल शेप का है इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पाई जाने वाली सेल्स का शेप साइज अलग अलग होता है क्रोमोसोम्स कहाँ और कैसे पाए जाते हैं उनका इम्पोर्टेंस बताइए

पहले तो धागों की तरह उलझे हुए धागों की तरह क्रोमोटिन प्रेजेंट होता, होता है तो ये क्या है जिनको क्या कहा जाता है क्रोमो -सोम्स. क्रोमो -सोम्स का काम होता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को बच्चों में ट्रांसफर करना इनका काम होता है क्वेश्चन नंबर थ्री है हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम बना के तीन डिफ्रेंस बताने तो डायग्राम स्टूडेंट्स बुक में दिए गए हैं आप यहाँ से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है तो इसके डिफ्रेंसेज हैं सेलवोल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में एबसेंट होती है एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट या फिर आप यहाँ पे प्लास्टिड्स भी लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज अ ता टाइप ऑफ प्लास्टिड प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते एनिमल सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल में एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं पाया जाता प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़े होते हैं एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो होते ही नहीं है होते हैं तो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं अब हमें इन सब का फंक्शन बताना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का गोलजी कॉम्प्लेक्स का न्यूक्लियस का क्रोमोप्लास्ट का वक्योल्स का और माइट्रोकॉन्ड्रिया का तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम सब्सटेंसिस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है पैकेजिंग में हेल्प कौन करता है पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेज में हेल्प करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और किसी भी सेल को कंट्रोल करने का कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कौन सा होता है उसका न्यूक्लियस क्रोमोप्लास्ट क्या काम करते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं वैक्यूल्स क्या काम करते हैं मटेरियल्स को स्टोर करते हैं सेल के लिए माइटोकोन्ट्रिया क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है या फिर इसके अंदर सेल्युलर रेस्पिरेशन भी होती है आगे आता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो इससे सेल फंक्शंस पे क्या फर्क पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो जाएगी तो सेल के अंदर के सारे कंटेंट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे जिससे सेल के सारे पार्ट्स फंक्शन करना बंद कर देंगे और आखिरकार सेल सेल जो है वो डेड हो जाएगा डिफाइन द टर्म सेल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल का क्या मतलब है अलग अलग ऑर्गेनल्स का नाम बताइए जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं अब इन सेल ऑर्गेनल्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों नहीं कहा जाता सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्यों कहा जाता है सेल जो है वो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो हैं न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलम लाइसोसोम्स वैक्यूल राइबोसोम्स इनमें से किसी भी सेल ऑर्गेनल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं कहा जा सकता बिकॉज सेल ऑर्गेनल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली सेल अकेला एग्जिस्ट कर सकता है अकेला सारे काम कर सकता है लेकिन जो सेल और है वो सारे काम अकेला नहीं कर सकता जैसे कि अगर आप किसी सेल के माइटोकट्रिया को निकाल के अलग कर दो तो माइटोकॉन्ट्रिया अपने बूते पे जिंदा नहीं रह सकता आ गया आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में बायोलॉजी टीचर क्या करती है स्टूडेंट्स बच्चों को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल और प्लांट सेल समझाने के लिए क्रिकेट टीम टीम का एग्जाम्पल लेती है वो बच्चों को बताती है जिस तरीके से टीम तभी जीतती है जब उसके सारे मेंबर्स अपना अपना काम करें अपना अपना काम करें प्रॉपरली करें तभी टीम जीतती है ठीक इसी तरीके से एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर अगर उसके सेल और गनल्स अपना अपना काम ही करें और अच्छे से करें तभी वो जिंदा रहता है तभी वो एग्जिस्ट कर पाता है तो अब हमें क्या बताना है दो वैल्यूज जो टीचर ने अपनी क्लास के सामने रखी हैं टीम स्पिरिट और स्टिकिंग टू योर रोल टीम स्पिरिट में काम करना और अपना काम रखना जो जो रोल आपको असाइन किया गया है वही काम करना फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीम के मेंबर हैं और आपको एक बॉलर का काम दिया गया तो आपको बॉलर की तरह ही काम करना है आपको अपनी बैटिंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है आगे ग्रुप डिस्कशन है स्टूडेंट्स ये डू इट सेल्फ है आगे प्ले है ये भी डू इट सेल्फ है समथिंग टू डू में इस हाइड्रिला का एग्जाम्पल दिया है हाइड्रिला एक पानी के अंदर पाए जाने वाला प्लांट है जो अक्सर झीलों और तालाबों में देखने को मिलता है इसकी छोटी छोटी और पतली पतली लीव्स होती हैं हमें हाइड्रिला की लीव को लेके उसकी ग्लास लाइट तैयार करके माइक्रोस्कोप में देखना है और फिर क्लास के बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्या क्वेश्चंस हैं सेल्स को कब डिस्कवर किया गया था उनकी डिस्कवरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से पहले हुई थी कि बाद में हुई थी तो इसका आंसर आएगा सेल्स को 1665 में हुक ने डिस्कवर किया था और उनकी जो डिस्कवरी है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से बहुत पहले हो गई थी क्या साइज और नंबर ऑफ सेल्स साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है साइज ऑफ सेल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा हो या बड़ा हो इससे सेल के साइज पे फर्क नहीं पड़ता हो सकता है एलिफेंट के अंदर पाई जाने वाली सेल्स छोटी हो और चींटी के अंदर पाई जाने वाली सेल्स बड़ी हो ऐसा हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स ये फर्क है नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा उसके अंदर सेल्स की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर ठीक है साइज ऑफ सेल डिपेंड नहीं करता ध्यान दें आप इस बात पे थोड़ी सी जो है टिपिकल सी बात है ये लिस्ट द फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनलोशन ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम दैट ऑर्गेनल इज सिमिलर टू सेल ऑर्गेनल का नाम हमें दिया गया है हमें उसका फंक्शन बताना है और हमारी बॉडी में वो फंक्शन कौन सा ऑर्गन करता है वो हमें बताना है न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है सारे सेल के फ्शंस को हमारी बॉडी में काम ब्रेन करता है एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में काम सर्क्यूलेटरी सिस्टम करता है ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम करता है लाइसोसोम्स ये डाइजेसन में हेल्प करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का वो हेल्प करता है डाइजेशन में हमारी बॉडी के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को पैकेज करता है और उनकी डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचाता है ये काम हमारी बॉडी में हमारा लिवर करता है सेल मेम्ब्रेन हमें प्रोटेक्शन करती है और आउटसाइड कंपोनेंट से सेपरेट करती है आउटर एनवायरमेंट सेपरेट करती है हमारी बॉडी में वही काम हमारा स्किन करती है आगे आता है सेल वॉल के एडवांटेजेज हमें बताने हैं तो सेल वॉल के एडवांटेज गिव्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द सेल सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को ज्यादा रिजिड बनाती है और सेल के कंटेंट्स को एक्सपेंड करने में हेल्प करती है अगर ओसमोसिस हो जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि प्लांट सेल कैन विद स्टैंड मोर डाइल्यूट एनवायरमेंट आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की जगह कि अगर पानी में रख दिया जाए प्लांट सेल को तो वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट सेल ठीक है बिना बर्स्ट हुए आगे क्रॉस वर्ड पजल पजल है स्टूडेंट्स क्रॉस वर्ल्ड प्ज पजल को हम सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे पैरामिशियम को लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है द आंसर इज सीलिया हेल्प करता है स्टूडेंट्स सी आई एल आई ए स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन्स को बनाने में कौन सी स्ट्रक्चर हेल्प करती है द आंसर इज राइबोसोम्स ये देखिए देखें यहाँ पे फिल कर रखा है राइबोसोम्स उसके बाद पार्ट नंबर थ्री हमारा आता है स्टोरेज स्ट्रक्चर स्टोरेज स्ट्रक्चर द सेल क्या है वैक्यूल्स वैक्यूल्स जो होती हैं वो स्टोरेज का, का काम करती हैं प्लांट सेल्स में भी और कुछ हद तक एनिमल सेल्स में भी पार्ट नंबर फोर है फॉर्म सोलर एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट देखो एक तरीके से फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स क्योंकि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कौन सी प्रोसेस करती है फोटो और फोटोसिंथेसिस होती कहां है क्लोरोप्लास्ट के अंदर आगे आपका आता है पार्ट नंबर फाइव रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मेटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल मेटीरियल को सेल के अंदर और बाहर जाने का कंट्रोल किसके हाथ में होता है सेल में आंसर आएगा आपका आता है पार्ट नंबर सिक्स कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल किसे कहा जाता है बहुत ही आसान है स्टूडेंट कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ दल आगे आता है पार्ट नंबर सेवन इम्पेक्ट इमार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर कौन प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट। कलरफुल है आगे आता है आपका पार्ट नंबर एट प्रोवाइड्स शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल प्लांट सेल को रिजिड कौन बनाता है उसकी शेप को मेंटेन कौन करवाता है इसका आंसर क्या आएगा सेल वॉल ये देखिए यहां द आंसर इज सेल वॉल नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन इज स्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट एक जनरेशन के कैरेक्टर्स को दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कौन करता है द आंसर इज जीन करते हैं जो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है द आंसर पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी बुक एक्सरसाइजेस क्लास एट डीएवी के साइंस चैप्टर नंबर वन द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नहीं है अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और दबा दें नोटिफिकेशन बेलाइकन को ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आपकी क्लास का उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके डिवाइस तक इसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन सैम्पल पेपर्स बुक एक्सरसाइजेस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे थैंक यू एवरीवन